हम उनको चाचा नहीं बुलाते, मुख्यमंत्री है, उस पद का मैं सम्मान करता हूँ। मुख्यमंत्री जी खुद इतने गर्म है भाई, वो क्यों गर्म हो रहे हैं आज सुबह देखे होंगे विधानसभा में। बिहार के क्या देश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री को अपने विधानसभा अध्यक्ष के साथ इस तरीके से उलझते हुए, उस कुर्सी की गरिमा को ऐसे गिराते हुए मैंने कभी नहीं देखा। जिसके साथ इतना जन समर्थन हो वो अकेला कहाँ है भाई। जितने भी मुखिया आए यहाँ पर, महावर देवी, महावर विष्णुदेव यादव यहाँ पर, निर्माण किशोर यादव जी यहाँ पर, सुरेश्वर यादव जी, विजय यादव जी, लव यादव जी, राम यादव जी यहाँ पर, सुरेश महात्मा जी यहाँ पर, विनोद कुमार जी, चंद्रशेखर शर्मा जी, मुकेश यादव जी, मुकेश शर्मा जी, नेमो यादव जी, जयराम यादव जी, सुनील यादव जी, जयनारायण शाह जी, उनको भी चिराग पासवान हमारे साथ है। चिराग जी, सीधा सवाल है, मीडिया सरपंच को बहुत अधिकार दिया था, लेकिन हम इलेक्टोरल सरपंच के पक्ष में अध्यक्ष थे, सरपंच मानिए यहाँ कुछ अधिकार नहीं थे, हम लड़ रहे हैं आपके अधिकार। चिराग जी सीधा सवाल है, चाचा पे इतना गर्म क्यों है? जब भी आप भीड़ देखते, वैसे भी गर्म रहते हैं, जब भी हमारे, खैर हम उनको चाचा नहीं बुलाते, मुख्यमंत्री है, उस पद का मैं सम्मान करता हूँ। मुख्यमंत्री जी खुद इतने गर्म है भाई, वो क्यों गर्म हो रहे हैं आज सुबह देखे होंगे विधानसभा में, किस तरीके से वो कुर्सी से ही उलझ गए भाई। अध्यक्ष पद की एक अपनी गरिमा होती है, बिहार के क्या देश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री को अपने विधानसभा अध्यक्ष के साथ इस तरीके से उलझते हुए, उस कुर्सी की गरिमा को ऐसे गिराते हुए मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन चिराग जी आप तो कह रहे हैं कि ठीक है अपनी गरिमा होती है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह से सदन नहीं चलेगा, क्या लगता है ये एनडीए की टूट का नींव रख दिया नीतीश कुमार? भाई सदन तो ऐसे भी नहीं चलेगा, इनकी तानाशाही से चलेगा क्या? सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से आप कुर्सी को संबोधित कर रहे हैं भाई। विधानसभा अध्यक्ष है वो, उस पद की गरिमा है, आपका व्यक्ति से आपका मतभेद हो सकता है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि दोनों पार्टियों में आजकल संबंध ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि आपको उनकी पार्टी की वजह से उनसे आपको विरोध हो, पर उस पद की का कम से कम गरिमा रखिए, उस पद का कम से कम सम्मान रखिए। चिराग जी ये जो चल रहा है एनडीए में, मुकेश सहनी अलग ताल ठोक रहे हैं, नीतीश कुमार का रवैया आपने देखा, क्या लगता है ऐसे में चिराग पासवान अकेला चलो गिरा पे है विधानसभा में भी और अब विधान परिषद चुनाव में भी? सहरसा में आपने कोसी बेल्ट में देखा है जन समर्थन, क्या लगता है भाई? आपको लग रहा है मैं कहीं से अकेला हूँ? ईमानदारी से आप बता दीजिए, आप तो खुद मौजूद है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो टोकिएगा। पर आपके जो प्रत्याशी हैं चन्नी यादव, क्या लगता है? यादव जी, गंगा सागर कुमार जी, क्या लगता है कि जीत मिलेगी, क्योंकि समर्थन तो दिख रहा है भाई? जितनी इनकी लोकप्रियता है, जैसा मैंने अपने भाषण में भी कहा, हम लोगों ने सर्वे भी कराया था और इनकी लोकप्रियता जिस तरीके से उभर कर आई, जन प्रतिनिधियों को इनके ऊपर जितना विश्वास है, तो जन प्रतिनिधि जब अपना प्रतिनिधित्व ढूंढ रहे हैं तो उन्होंने नंबर वन पे। लेकिन लड़ाई है आपके पुराने उम्मीदवार नूतन जी से, जो बिहार सरकार में मंत्री, उनकी पत्नी भी है। मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, जनता का प्यार, पिछली बार भी व्यक्ति का चुनाव नहीं होता, पार्टी की नीतियों का एक प्रमुख उसमें दावेदारी होती है, पिछली बार भी उन्होंने पार्टी हमारे नेता के नाम पर उनको चुनकर भेजा था, उन्होंने किसी कारणवश पार्टी का साथ नहीं दिया, पर मेरा पूरा विश्वास है कि जनता ने उस बात को भी ध्यान में रखा होगा और समर्थन अब इनके साथ। तो चलिए चिराग पासवान थे हमारे साथ, जिनका कहना था कि जीत मिलेगी और सबसे बड़ी बात है
की बड़ी बात उन्होंने कही कि मैं नीतीश कुमार को चाचा नहीं मानता, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस तरह से आज उनका रवैया दिखा है, ये एनडीए टूट की कगार पे है और नीतीश कुमार फ्रस्ट्रेशन में दिख रहे हैं। हम आगे भी कोशिश करेंगे चिराग पासवान से बात करने की, और उस समय भी हम कोशिश करेंगे कि लाइव आए अपने दर्शकों के साथ कि जो दो युवा नेता हैं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, और जो नीतीश कुमार अभी केंद्र में है, मुख्यमंत्री की भूमिका में है, और जिस तरह से एनडीए के अंदर तमाम तनातनी चल रही है उसको लेकर दोनों नेता का क्या रुख रहता है, और जो एकला चलो की रणनीति पे चिराग पासवान चल रहे हैं और जो जन समर्थन दिख रहा है जो उसमें इनको जीत मिलती है या नहीं, लेकिन जीत के दावे निश्चित रूप से उम्मीदवार की तरफ से भी किए जा रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के द्वारा भी किए जा रहे हैं।